trying to make up your mind like you need more time. You've already spent most of mine. Even when words fail, you try to keep it light. You realize I'm done right. You can be honest. I don't appreciate your lies. It's about damn time you get it right. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल हैं आप सब के। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो कल जो मैंने व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था ना, उसके बाद मैंने ये रात के टाइम दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया और गेस्ट आ गए थे तो मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। अब काफ़ी देर हो गई थी, मैंने कहा कि अब मैं आटा गूँधूँगी क्योंकि आटा भी गूँधा हुआ नहीं था और खाना बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो उस्मान के आने का टाइम हो गया था, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी जो है वो राइस बना लेती हूँ। और मैंने गोश्त का पैकेट जो निकाला था वो ज़रा छोटा था, थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने कहा चलो थोड़े से मटर भी ऐड कर देती हूँ। और वेजिटेबल्स वैसे भी अच्छी होती हैं, आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो खैर मेरी जो रूटीन होती है जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, बाकी आपको जो बेहतर लगता है आप बेहतर समझते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी पुलाव, और राइस जो है ना उसके बारे में मुझे स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो राइस मैं ये अभी कोहिनूर वाले यूज़ कर रही हूँ डबल एक्सेल, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं राइस बना रही हूँ, और उसके साथ ये है कि आज मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, तो ये व्लॉग आपने फुल देखना है। यहाँ पे ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कुकिंग के लिए भी पीने के लिए भी पानी मैं केटल में यूज़ करती हूँ। और जो भी यहाँ पे रहते हैं ना, जो नए आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग और कुछ लें ना लें, केटल ज़रूर लें, क्योंकि इतना ठंडा पानी ना तो पिया जाता है। और कुकिंग में भी ये होता है कि फ़ौरन से गर्म हो जाता है, आप एक बार केटल फुल कर लें तो ये होता है कि फिर आप आराम से कुकिंग भी कर सकते हैं, इतने जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल है, इवन कि आप अगर पाकिस्तान में भी हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह से करें, आपके कुकिंग का टाइम बच जाता है। और बहुत ठंडा पानी अगर हम पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, आपको पता है कि पानी बाहर जो है वो अगर हो तो ठंड होती है, तो पानी ठंडा हो जाता है। तो अगर आप केटल में हल्का सा वार्म कर लें, मेरे पास पाकिस्तान में डिस्पेंसर था तो उसका गर्मियों में मैं जो कोल्ड वाला होता है वो ऑन रखती थी, सर्दियों में मैं हॉट वाला ऑन रखती थी, तो दोनों यूज़ करती थी। तो अभी यहाँ पर तो मेरे पास डिस्पेंसर नहीं है तो इसलिए मैं केटल यूज़ करती हूँ। वैसे पाकिस्तान में डिस्पेंसर तो काफ़ी कॉमन है, मेरी शादी के टाइम मैंने अपने लिए लिया था, शादी से पहले मेरी अम्मी के घर भी था, तो अब तो सालों से सदियों से चलता आ रहा है, जब से ये आए हैं। तो वहाँ पे तो खैर ये बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हम लोग केटल यूज़ करते हैं। तो बस जी आपसे बातें करते करते राइस रेडी हो गए हैं, साथ मैंने थोड़े से कबाब बना लिए थे, कबाब भी बस अब ख़त्म होने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बना के नहीं रखती कि फिर मुझे टेस्ट ना सेम लगने लग जाता है। लवली यार, कसम से। तो यहाँ पे आपने उस्मान की खुशी देखी, और माशाल्लाह से उनको पुलाव राइस, बल्कि राइस उनको बहुत अच्छे लगते हैं, और उनका बस चले तो वो मुझे कहते हैं डेली राइस बनाया करो। तो खैर ये है कि इसलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को राइस अच्छे लगते हैं। हाँ मर्द हजरात बहुत कम ऐसे होता है कि इतने शौक से खाएं, लेकिन माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं सारे काम किचन के कर रही थी, और मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ये मैंने शीन से मंगवाए थे ब्रशेस, इनका सेट के ये बहुत काम आती हैं। जब हम लेते हैं या जब मैं व्लॉग में शेयर करती हूँ, तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता होगा कि मतलब ये फजूल चीज़ें हैं, ये क्यों ऐसे ले लिए, लेकिन आप यकीन करें हमारी डेली लाइफ में, या स्पेशली जो खवातीन हैं जिनका टाइम बहुत ज़्यादा किचन में गुजरता है, या जिनका काम यही होता है, सारा टाइम यही करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान में भी मेरे पास हेल्पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो छोटे छोटे काम थे वो मैं खुद करती थी। तो वहाँ पे अक्सर मैं दराज से देखती रहती थी इस तरह की जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, या ऑनलाइन अब तो हर पेज पे आप देखें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स हैं तो मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फिर ये होता है कि अमेज़ॉन हो गया, ईबे है, शीन है, तो वहाँ से आपको छोटी छोटी काम की बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बर्तन मैंने वॉश कर लिए, किचन मैंने ऑलमोस्ट सारा साफ़ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंक का एरिया है तो ये वाइट है, तो इसमें मैं ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है।
और मैं आपके साथ यही बात हमेशा शेयर करती हूँ, जो चीज़ मेरे लिए यूज़फुल होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना हमारे जो देसी खाने बनते हैं, हल्दी भी ऑयल भी, तो वो कलर छोड़ते हैं जब भी बर्तन वॉश करते हैं डेली ही, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे यूज़ करना। तो मैंने स्प्रे कर दिया है, थोड़ी देर के बाद इसको करती हूँ मैं क्लीन। और कपड़े जो है ना वो देखें जो ड्राई हो गए हैं वो मैंने वहाँ पे रखे हैं, मैं खजूर खा रही थी। अच्छा, ड्राई हो गए हैं वो मैंने उतार के रखे हैं, बाकी ये अभी देख लेती हूँ ड्राई हो गए हैं तो इनको उतार दूँगी। और एक और काम ये कि अभी रूम में मैंने जाना है लेकिन मैं अपनी बॉटल पानी की फ़िल करूँगी, और पानी जो है ना वो मैं बहुत पीती हूँ, आजकल सर्दियाँ हैं तो इसलिए अपने आप को पुश करना होता है, अदरवाइज़ फिर आपकी जो है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आप भी पानी ज़रूर पिया करें और इसको फ़िल कर लेते हैं, गर्म पानी से करती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा जी, तो कल मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत बारिश थी और मैंने बैग बहुत बचाया लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें मेरी, कपड़े भी गीले हो गए, ये भी देखेंगे बॉक्स सारा मेरा इस तरह से हो गया, हालांकि बिल्कुल नया था जब मैंने उठाया था लेके आई हूँ। तो ये इसका हाल हो गया है, चीज़ें शुक्र है सलामत है लेकिन बारिश में ना बुरा हाल हो गया। अच्छा, ये मैं लेकर आई हूँ क्या होता है, हेयर कलर, हेयर डाई, इसको मैं इंशाल्लाह ताला फुल हेयर पे अप्लाई करूँगी। ये बेसिकली लिखा हुआ है अप टू 100% ग्रे कवरेज, ग्रे इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं फ्रंट से है तो वो अब देखेंगे, लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लगा था। पाकिस्तान में रेवलॉन का अक्सर मैं यूज़ करती थी ना, तो मुझे ये देख के बिल्कुल वो वाला याद आया। खैर, अभी मैंने ये यूज़ नहीं किया, करूँगी तो आपको इसका रिव्यू दूंगी। और आप ये देख सकते हैं ये मुझे सुपर ड्रग से सस्ता मिल गया था और इसकी एक्सपायरी भी अभी नहीं है, मैंने देख के पूछ के फिर मैंने लिया था। तो ये मैं वैसे ही देख रही थी, रश बहुत ज़्यादा था तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। दो रखे हुए थे मैंने, वैसे एक ही लिया, मेरे बालों पर एक काफ़ी होता है। उसके साथ लिया मैंने उस्मान के लिए ये क्रीम, और ये जो है ना ये भी क्लियरेंस में थी, 415 की थी, तो ये भी मैंने देख लिया था, इसकी भी एक्सपायरी कोई नहीं थी। समटाइम ये रख देते हैं, कभी पैकेजिंग या कुछ ऐसा होता है तो ये सस्ता दे देते हैं। तो ये खैर मैं लेके आई हूँ लॉरियल मैन की उस्मान के लिए, और वो बड़े खुश भी हुए, मैंने इसको वैसे ओपन नहीं किया, ये बच के बॉक्स, वो वाला बॉक्स ख़राब हो गया, तो वो बड़े खुश हुए क्योंकि उनकी ख़त्म हुई भी थी, मैंने तो वैसे ही ले ली, मैंने कहा चलो अच्छी मिल रही है ले लूँ, लेकिन उस्मान को जो है ना वो अच्छी लगी, वो खुश हो गए। मैंने उनको कहा ओपन नहीं करना, मैं शेयर कर लूँ फिर उसके बाद आप जो है ना ओपन करना। अच्छा, ये तो मैंने दो ये लिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े। तो मैं जैसे कि आपको बताती रहती हूँ कि एक तो मैं बाहर जाती हूँ, दूसरा उसके अलावा ये होता है कि सर्दियां आ रही हैं ना, तो सर्दियों में यहाँ पे हम ज़्यादातर इस तरह से पजामे शर्ट्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो पहनते हैं। अच्छा, एक मिनट में कैमरा ऊपर कर लूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप ये देखें मैंने ये वाली ली है, कलर्स बहुत ही मैंने इस बार ज़रा विंटर वाले लिए हैं, और उस्मान को इतने अच्छे लगे जो मैं लेकर आई हूँ, वो बड़े खुश हो रहे थे कि इस बार बहुत प्यारे कलर लेके आई हो, कलर्स लेके आई हो। अच्छा, ये जो है ना मैं आपको बताऊँ, ये सारे मैंने मीडियम में लिए हैं क्योंकि मुझे वैसे मीडियम भी खुला लग रहा था अच्छा खासा, लेकिन ये थोड़े खुले हो ठीक रहते हैं, आप समटाइम शर्ट के ऊपर पहन लेते हैं, वैसे पहन लेते हैं, या आप टाइट ना हो लूज ठीक रहते हैं, तो ये मैंने लिए हैं मीडियम में। और ये सारी शॉपिंग जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, प्राइमार्क से लिए मैंने। अच्छा, ये देखें, ये इसके बाजू हैं, और मुझे बेसिकली ना इसी तरह की स्वेट शर्ट्स टाइप की ना मुझे चाहिए थी, तो ये मीडियम में भी अच्छा खासा बड़ा साइज़ है, लेकिन खैर ठीक है। इसकी पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये एक मैंने पॉकेट वाला लिया, बाकी मैंने पॉकेट्स वाले नहीं लिए क्योंकि प्राइस में फ़र्क था, और मैंने कहा मेरे पास ब्लैक इसमें है तो ऐसे ही एक ठीक है। तो ये लिया मैंने पहली शर्ट, और अच्छा इनका मटीरियल ना वैसे नॉट बैड, अच्छा होता है और अच्छा खासा चल भी जाता है, ये मैं आपको बताऊँ, ये नहीं होता कि जल्दी ख़राब हो जाए, वॉश के बाद भी ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, नॉट बैड, और आपको अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल जाए तो और क्या चाहिए। दूसरी मैंने ली है ये रेड कलर में, ये भी मैंने मीडियम में ली है, और इनका स्टाइल आप देख सकते हैं इस तरह से होता है कि आपको मीडियम में भी अच्छा खासा खुला लगेगा, लेकिन ये इसी तरह की ज़रा अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये भी मीडियम में लिया है, कलर इसका बहुत बहुत प्यारा मरून कलर है, थोड़ा सा डार्क रेड है, लेकिन ये रेड में नहीं आता है, थोड़ा सा मैरून कलर में आता है, लेकिन ये है कि ये खूबसूरत जो है ना वो बड़ा प्यारा
विंटर का कलर है। अच्छा, इसकी पॉकेट्स नहीं है इसलिए एक दो पाउंड कम थी, लेकिन स्टफ इसका बहुत अच्छा है, मुझे इसका स्टफ अच्छा लगा और मैंने इसलिए आपको बताया कि मैंने सारी पॉकेट्स वाली नहीं ली। और इसका हुड भी नहीं है, ये थोड़ी इस तरह की है, वो मैंने बस एक चेंज के लिए ले ली थी। और ये मैं आपको दिखाऊं, अंदर से आप देख सकते हैं कितना आपको फील हो रहा होगा या नजर आ रहा होगा कि ये गर्म है। और अब इंशाल्लाह ताला सर्दियों में जो है वो इसको मैं यूज करूंगी। अच्छा, दूसरा तीसरा मैं लेकर आई हूँ ये कलर, और ये कलर मैंने इसलिए लिया है कि ये उस्मान को बहुत अच्छा लगता है। ब्लू, डार्क ब्लू कलर है, बहुत खूबसूरत ब्लू कलर है, ना रॉयल ब्लू है ना नेवी ब्लू है, उसके बीच का कलर है। तो ये मैंने इसलिए लिया, मैंने कहा चलो उनको अच्छा लगता है। और ये भी मैंने लिया मीडियम में, और ये स्टाइल जो है वो रेड की तरह है, जो भी आपको पहले मैंने मरून कलर दिखाया, लेकिन उसके साथ ये है कि इसका जो लिखा हुआ है और कलर है वो सारा जो है वो चेंज है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तीन लिए हैं मैंने शर्ट्स, और ये शर्ट्स इस तरह की होती हैं कि स्वेटर टाइप की भी होती है, या आप घर में भी पहन सकते हैं। जैसे मैं वॉक करने जाती हूँ, ऊपर कुछ और मैं ले लेती हूँ, जैकेट या कुछ, तो इनर ये पहन लें तो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, ये तीन लिए हैं शर्ट्स, और एक लिया मैंने ट्राउज़र, वो मैंने लिया इस तरह का, ये देखें, क्योंकि यहाँ पे ना अगर खुले हो ना, नीचे से खुला हो तो उससे ठंड बड़ी लगती है, तो इसलिए ये देखें ज्यादातर यहाँ पे इस तरह के चलते हैं, ये देखें। और इसकी भी क्वालिटी अच्छी और गर्म बहुत ज्यादा है, ये देखें आपको दिखा दूं ताकि आइडिया हो जाए आपको। तो ये ना गर्म बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये मैंने एक्चुअली ये मैंने दो लिए थे, एक मैंने लिया था ब्राउन में जो मैंने आपको पहली वाली शर्ट दिखाई थी, और एक मैंने ये लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं चलो एक ठीक है फिलहाल, होगा तो बाद में ले लूंगी। रश इतना ज्यादा रश था ना कि मेरी तो बस हालत खराब हो रही थी, और मुझे ना फौरन माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा रश से शोर से मेरी तबीयत फौरन खराब होने लग जाती है। एक ट्रिगर होता है ना, हर एक का अपना ट्रिगर होता है माइग्रेन का, तो एक वन ऑफ माय ट्रिगर जो है वो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा शोर हो, रश हो, जिसमें मेरे दिमाग पे जोर आ रहा हो तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, खैर ये भी अच्छा है, और ये अब सर्दियों का जो है ना आ गया है। बाकी मैं सोच रही थी कि मैं प्राइमार्क जाऊँगी, लेकिन अब इस वाले में नहीं जाऊँगी, मैं किसी और आउटलेट पर जाऊँगी ताकि वहाँ से मैं सुकून से कर सकूँ। इस रश में और शोर में कुछ समझ नहीं आती, लेकिन अब मैंने कहा अब आ ही गई हूँ तो कुछ लूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ बैग, और बैग वहाँ गिरा हुआ था, ये होगा तो फोटो मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं शॉपिंग कर रही थी। इसमें एक था ब्लैक और पिंक, एक था ब्लैक और ब्राउन, और एक था वाइट वाला। अच्छा, मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी क्वालिटी का कोई लेदर टाइप का ऐसे मिल जाए, मुझे बेसिकली ये चाहिए था, जैसे मैं बाहर जाती हूँ अकेली जब जा रही होती हूँ या मैं वॉक करती हूँ, तो उसके लिए ना मुझे एक छोटा चाहिए था। मैं वैसे सोच रही थी कि कोई मोबाइल टाइप का मुझे क्रॉस बैग मिल जाए जो मोबाइल वगैरह कैरी करते हैं, या फिर मुझे कोई इस तरह का मिल जाए जो बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि जब वॉक करें आप ये इस तरह, तो मोबाइल हाथ में या वॉलेट में अक्सर रखती हूँ या कार्ड रखती हूँ, तो मुझे डर ही लगा रहता था पॉकेट में भी। तो क्रॉस बॉडी बैग से ये होता है कि आप आराम से जो है ना बस भूल जाए बैग में डाल के, रिलैक्स होकर आप जो है ना वो इंजॉय करें। कभी मैं खुद ही छोटी मोटी ग्रॉसरी करने को, शॉपिंग करने चली जाती हूँ, तो बस मुझे इसके लिए चाहिए था। अदरवाइज मैं दूसरे बैग्स पहले लेकर आई थी जो आपको मैंने दिखाया था, शेयर किया था आपके साथ, तो अब मैंने कहा कि ये जो है ना मेरे लिए ठीक है, नॉट बैड। अच्छा, फिर मैं आपको बता रही थी कि मैंने पिंक कलर लिया हुआ छोड़ दिया। मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी इसमें से कौन सा लूँ, अम्मी को तो ऑलवेज पिंक कलर मेरे साथ अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलो ये वाला ले लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़रा शार्प लग रहा था, और ये मैं आम डेली रेगुलर रूटीन के लिए यूज़ करना चाह रही थी। अच्छा, एक तो ना मुझे वो जो चेन बनी होती है ना, मुझे चेन वाला नहीं चाहिए था, बस मुझे वो नहीं चाहिए था। यहाँ पे वैसे भी इतनी नमी नमी सी रहती है, मुझे लग रहा था ख़राब ही हो जाना है फ़ौरन। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, नॉट बैड, इतने अच्छी रिजनेबल प्राइस में अगर आपको इतना भी अच्छा मिल जाए तो काफ़ी है। मेरे मोबाइल्स होते हैं, वॉलेट होता है छोटा, और समटाइम मैं कैमरा भी कैरी कर लेती हूँ। तो चलें जी, इसको खोल लेते हैं आपके सामने ही, मैं इसका इफ्तिताह कर लेती हूँ ताकि इसको मैं फिर यूज़ कर लूँ। लिया तो मैंने इसीलिए था, तो अब इसको यूज़ भी कर लें। इसके सारे रैपर हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि अच्छी तरह से रैप हुआ होता है। ये देखें, इसके रैपर वगैरह उतार लेते हैं, और ये जो है एडजस्टेबल होती है, आप इसको कम ज़्यादा अपनी हाइट के हिसाब से या वेस्ट के हिसाब से जो आपकी होती है आप कर सकते हैं, तो अच्छा है। अच्छा, मुझे ना ये वाला बड़ा चाहिए था, दो बार उस्मान मेरा बैग तोड़ चुके हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, बैग तोड़ देते हैं मेरा, तो ये ना इसलिए मुझे ये वाला जो इसका है ना
ये मुझे बस थोड़ा सा बड़ा और मोटा चाहिए था, मुझे यही लग रहा था फिर उस्मान ने मेरा तोड़ देना है। तो ये देखें, खैर इसको और भी मैं थोड़ा बड़ा करूँगी। अच्छा मुझे तो अच्छा लगा। खैर ये देखें इस तरह से ये हो जाता है। और मज़े की बात ये है कि इसमें मेरे मोबाइल्स आ जाएंगे, वो बड़े होते हैं ना, एक दो बार लिया तो वो ज़रा छोटा था उसमें नहीं आ रहे थे। तो ये है मेरी शॉपिंग, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं इसको जो है ना बस वो यूज़ करती हूँ। अभी मैं जा रही थी बाहर वॉक करने के लिए, मैंने कहा चलो मैं पहले ये शेयर कर लूँ आपके साथ, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर बिजी हो गई थी मैं, तो मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा जी, तो अभी रात का टाइम है, मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था। अभी मैं अपने लिए बेसन की छोटी सी रोटी बना रही थी बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो मैंने कहा चलो मैं एंड कर देती हूँ। और मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, मैंने देखा तो एंड नहीं किया था, मैंने कहा चले मैं एक रिमाइंडर भी दे देती हूँ और आपको अल्लाह हाफिज़ भी कह देती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।